दोस्तों, अगर आपके पास लेजर जेट का प्रिंटर है जिसका मॉडल है लेजर जेट प्रो MAPM 126A का, तो यार उसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें हम डार्क या लाइट में फोटोकॉपी कैसे करें, या तो फिर जूम या तो फिर छोटे साइज में फोटोकॉपी कैसे करें। तो यार मैं इसके बारे में पूरे डिटेल से बताने वाला हूँ कि आप अपने प्रिंटर को किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, या तो फिर इसमें कौन कौन से फंक्शन दिए हुए, ये सब के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है चैनल टिप्स एंड सॉल्यूशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से फंक्शन है, या तो फिर हम इसमें किस टाइप से फोटोकॉपी करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ना, तो ये हमारा प्रिंटर है लेजर जेट प्रो MAPM 126A का, जैसे कि आप देख पाएंगे। और यहाँ पर जैसे आप देखेंगे तो ये है इसका डिस्प्ले, और इसी में जो भी करना है आपका सेटिंग इसी में रहेगा, तो इसमें आप कर सकते हैं आसानी से। तो जैसे कि ये ऊपर वाली जो लाइट जल रहा है, ये है दोस्तों आपके कॉपी का, कि आप कितना कॉपी करना चाह रहे हैं, एक करना चाह रहे हैं, 100 करना चाह रहे हैं, 99 करना चाह रहे हैं, ये इस तरह से यहाँ से आप अप डाउन करके एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका कॉपी वाली, कि आप इसमें कितना पेज एक साथ निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इसको आप दबाएंगे, बीच में एक बटन है, इसको आप दबाएंगे तो ये बीच में आ जाएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों डार्क का, अगर आप ऊपर वाले को दबाएंगे तो इसमें डार्क निकलेगा, जितना डार्क करना चाहेंगे। तो ये 4 तक का रहता है, यहाँ पर 4 तक करेंगे तो फुल डार्क हो जाएगा। अगर आप सिंपली रूप से जैसे 0 रहेगा यहाँ पर, तो ये सिंपल नॉर्मल निकालेगा, लेकिन जैसे एक आध पॉइंट इसमें एक दो पॉइंट आगे कर देंगे तो ये डार्क हो जाएगा। लेकिन ये 0 है, उसके बाद जैसे आप नीचे करेंगे तो ये लाइट में प्रिंट होगा। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को डार्क में लाइट में करना चाह रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको ये माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या होगा कि जो भी आप फोटोकॉपी करना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में वो लाइट फोटोकॉपी हो जाएगा। अब आ जाते हैं नीचे में, खैर इसको मैं डिफॉल्ट कर लेता हूँ। अब आते हैं नीचे में, इसमें अगर आप आएंगे तो इसमें आप जूम कर सकते हैं या तो फिर छोटा भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। जैसे कि ये फोटो है हमारे पास, इसको मैं रख लेता हूँ इस कोने में। अगर आप आधार कार्ड या तो फिर लाइसेंस या तो फिर पैन कार्ड किसी भी चीज़ को बड़े साइज में फोटोकॉपी करना चाह रहे हैं, तो आपको इस कोने टाइप में रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कोने साइज में। और उसके बाद जैसे आप इसको जूम करना चाह रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट तो आपका ये हो गया, तो जैसे आप जूम करना चाह रहे हैं तो इसको आप बढ़ा सकते हैं। आपको देखना ये पड़ेगा कि आपको कितने बड़े साइज में चाहिए, और ये जो है आपको मिल जाएगा 2.567, ये मतलब जितना बड़ा करना चाहेंगे उतना बड़ा हो जाएगा, ये 4 पॉइंट तक, ठीक है। लेकिन नॉर्मली रूप से अगर आप इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, और जैसे यहाँ देखेंगे ना क्रॉस का बटन दिया हुआ, इसको आप दबाएंगे तो ये डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, मतलब ये जितने भी सेटिंग रहेगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए वापस हम आ जाते हैं जूम वाले में, यहाँ पर लाइट चालू हो गया। अब इसको हम बड़े साइज में करना चाह रहे हैं, जो फोटोकॉपी है हम कर लेते हैं 2.0 में, ठीक है। अब इसका साइज़ देख के ही आपको करना है, कितना आप इसमें एडजस्ट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चलिए मैं इसमें कॉपी कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर 2.0 में कर दिया हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये वाली जो कॉपी वाली बटन देख रहे हैं, ये है आपका कॉपी का। तो चलिए मैं इसको प्रेस कर दिया हूँ, अब देखते हैं कि कितना बड़ा आ रहा है 2.0 में। ये देखिए, अब जैसे हमें फ़ोटो को मिलाए ना, तो मैं फ़ोटो निकाल लेता हूँ। ये देखिए, ये है 2.0 में। अगर आप 4 पॉइंट करेंगे तो ये पूरे आ जाएगा, मतलब इसके डबल हो जाएगा लगभग इतना, ठीक है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब इसको चलिए हम जूम आउट करके देख लेते हैं कि इसमें कितना साइज आ रहा है। तो मैं इसको वापस फिर रख देता हूँ फ़ोटो को, और आ जाते हैं वापस जूम आउट में। इसको हम कर लेते हैं 0.3 में। 0.3 इसका लास्ट है दोस्तों, अगर आप इसमें करना चाहेंगे तो देख लेते हैं ये साइज कितना बड़ा आता है। ये देखिए, एकदम छोटा सा है। अब मैं ओरिजिनल को और इसको दोनों को कंपेयर करूं तो देखिए, तो इस तरह से इसमें फंक्शंस दिए रहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉपी का, ये हो जाएगा आपका लाइट, जैसे डार्क करना चाह रहे हैं तो ऊपर को प्रेस करना है, और जैसे कि आप फीका लाना चाह रहे हैं मतलब लाइट को कम करना चाह रहे हैं तो आपको नीचे प्रेस करना पड़ेगा। और ये हो जाता है आपका जूम और जूम आउट का।
तो बस इतना ही बटन रहता है दोस्तों, और ये हो जाता है कैंसिल का। और जैसे इधर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपका ये पावर वाला जो लाइट है वो जल रहा है, और ये है आपका जैसे कि कॉटरेज में पाउडर कम हो जाता है ना, तो उस कंडीशन में जलना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे कि अगर पूरा कम हो जाता है, मतलब कॉटरेज में पाउडर पूरा कम हो जाता है, तो उस कंडीशन में ये भी चालू हो जाता है। मतलब ये हो जाता है कि आपको टोनर का रिफिलिंग करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसमें बटन दिया, और जैसे ही आप इधर देखेंगे तो ये इसको दबाएंगे तो ये प्रिंटर आपका बंद हो जाएगा, और इसको चालू करेंगे तो फिर से चालू हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें फंक्शन है, बाकी और इसमें कोई ज़्यादा फंक्शन नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नई चीज़ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ में, तब तक जय हिंद जय भारत।